नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आचार्य मयंक शर्मा। दर्शकों, शनि देव जो है बहुत जल्द वक्री होने जा रहे हैं। 29 जून से लेके 15 नवंबर तक शनि देव जो है कुंभ राशि में ही वक्री अवस्था में रहते हैं। ज्योतिष में कहा गया है कि जब जब कोई शुभ ग्रह अगर वक्री होता है तो उसके शुभ फलों की वृद्धि होती है। अगर कोई पापी ग्रह जैसे शनि या मंगल अगर वक्री होते हैं तो उनके अशुभ फलों में वृद्धि होती है। वक्री शनि की अवस्था में सभी राशियों को सावधानी रखने की जरूरत होती है और क्या कुछ खास करना चाहिए और किन चीज़ों से बचना चाहिए, ये आज हम आपको सभी 12 राशि वालों के बारे में बताएंगे कि उनको आने वाले समय में किन चीज़ों में सावधानी रखनी चाहिए, धन का निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि शनि देव वक्री है तो कोई गलत कार्य ना हो जाए, जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय ना ले बैठे, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। 135 दिनों तक शनि चलेंगे उल्टी चाल। 135 दिनों तक वक्री शनि की दृष्टि किन की लगाएगी लॉटरी। 135 दिनों तक क्या वक्री शनि लगाएंगे खुशियों पर ब्रेक। 135 दिनों तक शनि कृपा से मिलेगी कितनी दौलत। 135 दिनों तक दंडाधिकारी बनकर शनि दंड देंगे या फिर राहत। क्या कहती है शनि की वक्री चाल, देखे सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को नमस्कार। ग्रह गोचर की दुनिया में देखिए आपकी बात, दंड अधिकारी शनि की चाल में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। आपको बता दूं कि अब तक शनि अपने घर में मार्गी होकर बैठे हुए थे, लेकिन अब बहुत जल्द यानी कि 29 जून को शनि वक्री हो जाएंगे और 15 नवंबर तक अपनी इसी वक्री अवस्था में रहेंगे। और अपनी इसी वक्री अवस्था में ही शनि की जो दृष्टियाँ हैं उसकी तृतीय और सप्तम और जो दशम दृष्टि है किस प्रकार से आपको लाभ भी पहुंचा रही है और कहां आपको हानि भी पहुंचा कर जाएगी, इसी पर चर्चा करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं आपकी सिंह राशि सिंह लगन वाले लोगों के बारे में, तो आइए मयंक जी से जान लेते हैं, बताएं। बिल्कुल, देखिए सिंह राशि वालों, सिंह लगन वालों, शनिदेव सप्तम भाव में रह के आपके वक्री अवस्था में रहेंगे जी। गोचर में शनि सप्तम भाव में जो स्वराशि के होते हैं तो उस समय कम से कम अच्छा फल देते हैं, ये आपके लिए एक पॉजिटिव साइन है। छठे भाव के कारक हैं रोग ऋण शत्रु, सप्तम भाव व्यापार धर्म पत्नी पार्टनरशिप बिजनेस, इन चीज़ों के कारक होके यहाँ बैठ के वक्री होंगे। और यहाँ पर शनिदेव जो वक्री होंगे 4.5 महीने तो आपके लिए कैसा रिजल्ट देंगे, यह आज हम आपको बताने जा रहे हैं। सप्तम भाव में शनि वक्री अवस्था में रह के यहाँ देखिए आपके काम कारोबार के लिए ये गोचर काफ़ी अच्छा रहेगा जी। यानी कि कार्य व्यवसाय में लाभ, नए कार्य की शुरुआत हो सकती है, धन संबंधी लाभ मिलेंगे, बिजनेस अच्छा रहेगा, लाइफ पार्टनर की सेहत अच्छी रहेगी और खुद आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और कह सकते हैं कि नए काम की शुरुआत करने के लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। तो एक तरीके से सिंह राशि वालों के लिए ये जो गोचर रहेगा कविता जी, ये बहुत ही उत्तम कहा जा सकता है जी। लाभ देने वाला इनके लिए ये गोचर साबित होगा। अगर आप राजनीति में हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप लोहे से संबंधित काम करते हैं, आपका अगर ठेकेदारी का काम है, आप ईंट भट्टा या बदरपुर का कार्य करते हैं, तो शनि से संबंधित जो ये कार्य हैं इनमें आपको विशेष लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे दिलचस्प बात मैं जी ये भी है कि सूर्य की राशि है और पिता की राशि पे पुत्र का जब वक्री होना तो किस तरह का प्रभाव अब शनि की दृष्टि देगी इन्हें। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी शनि की जो तृतीय दृष्टि है वो इनके किस भाव पर पड़ रही है। देखिए शनिदेव की तृतीय दृष्टि जो है आपके भाग्य स्थान पर पड़ रही है, तो यहाँ पर क्या होता है, शनिदेव काम तो सारे बनाते हैं लेकिन भाग्य थोड़ा रुक रुक के साथ देगा आपको। कभी कभी महसूस करते हैं कि कार्य बनते बनते बिगड़ रहे हैं, निराशा हाथ लगेगी, फिर बाद में बन जाते हैं जी। तो निराशा तो हाथ नहीं लगेगी लेकिन यह है कि अड़चने थोड़ी सी रहेंगी। धर्म कर्म में रुचि यहाँ रखना बहुत जरूरी है आपके लिए जी। आप धार्मिक रहेंगे तो शनिदेव जो है आपका कहना चाहिए भाग्य उदय कर सकते हैं। अगर आपकी आयु 30 वर्ष से ऊपर है तो विशेष लाभ देंगे यहाँ। तो जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उनको अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ थोड़ा संबंधों में मधुरता रखनी चाहिए, अन्यथा परेशानी रह सकती है। विदेशों से लाभ यहाँ शनिदेव करवा सकते हैं तीसरी दृष्टि में। और आपका अगर बात करें कि ये आपको मंदिरों में जगह जगह आप चक्कर काटने जाएंगे इस समय, यानी कि धर्म कर्म में रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, अचानक से धार्मिक स्वभाव शनिदेव यहाँ आपका बढ़ाएंगे। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते और बात करते हैं अब शनि की सप्तम दृष्टि आपको कितना लाभ पहुंचा रही है या फिर हानि देगी।
देखिए शनि की सप्तम दृष्टि लगन भाव पर पड़ रही है, सिंह राशि है, शत्रु राशि पड़ रही है, मानसिक तनाव थोड़ा रहेगा, थकान महसूस होगी, भागदौड़ बहुत रहेगी जीवन में जी, जिसके चलते स्ट्रेस भी फील करेंगे, तो थोड़ा सा आराम करना बहुत जरूरी होगा आपके यहाँ। इस समय आप काम भी कीजिए, आराम भी कीजिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप सारे दिन ही काम करते चले जाएंगे तो शारीरिक कष्ट, मानसिक तनाव, बेचैनी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी या कुछ लोगों को माइग्रेन भी हो सकता है अगर आपकी कुंडली में शनि सिंह में बैठे हैं या कुंभ में बैठे हैं जी। तो इसी का सिंह राशि वालों ध्यान रखें, वाद विवाद से बचें, क्रोध की अधिकता से बचें, अहम से बचें, क्योंकि सिंह राशि वालों को क्रोध जल्दी आता है, अहम में रहते हैं, महत्वाकांक्षी तो है ही मगर अहम में रहना जो है वो ठीक नहीं रहेगा, आपको उस चीज से बच के चलना होगा, तो ये सावधानी आपको शनि की सप्तम दृष्टि से बचाकर चलनी है। चलिए आगे बढ़ते बात करते हैं कि शनि की जो दशम दृष्टि है वो आपके लिए क्या कुछ खास लेकर आ रही है। देखिए शनि की दशम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, तो ये क्या संकेत दे रही है, वाहन इत्यादि संभाल कर चलाएं जी, माता जी की सेहत का ध्यान रखें, व्यर्थ के वाद विवाद से बचें, और राजनीति में ये आपको सफलता अच्छी दिलवा रही है जी, तो कुल मिलाकर ये लाभ आपको मिलेंगे इस समय पे। और सिंह राशि वालों के लिए देखें तो ओवरऑल अगर मैं एक प्लैनेटरी पोजीशन बताऊं, जो बड़े बड़े ग्रह बैठे हैं वो कहाँ बैठे हैं, यहाँ दशम भाव में गुरु हैं वर्तमान में, और अष्टम भाव में आपके राहु भी हैं, और दूसरे भाव में आपके केतु हैं। शनि से अगले भाव में राहु का होना ये थोड़ा सा ये दिखाता है कि भाई हेल्थ का इशू रह सकता है, तो सेहत का ज़रूर ध्यान रखें इस समय, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी। काम कारोबार अच्छा तभी चलेगा, मेहनत तभी कर पाएंगे जब आप फिजिकली फिट होंगे, अगर फिट नहीं है तो अच्छा से अच्छा भाग्य भी धरे का धरा रह जाएगा। तो पहला सुख निरोगी काया, अपने शरीर को स्वस्थ करें, फिट रहें, और फिर अपने काम पर लग जाएं, तो सफलता फिर निश्चित है। बिल्कुल, और देखिए शनि का साल भी है तो ऐसे में देखिए शनि की यही वक्री अवस्था बहुत ज़्यादा मायने भी रखती है हर किसी के लिए, और ऐसे में जैसे कि मुझे लगता है जिस सिंह राशि के लिए जो आपने बताया, ओवरऑल आप कह सकते हैं कि 80-90% इनका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट शनि की ये वक्री अवस्था इनको देकर जाएगी, लेकिन इस बीच क्या कुछ उपाय हैं जो इनको करना भी ज़रूरी है? देखिए इस दौरान उपाय के तौर पर इनको क्या करना चाहिए, एक तो शनिदेव की आराधना करें जी, ओम शन शनेश्वराय नमः, इस मंत्र का रोजाना कम से कम 108 बार सुबह और इतना ही शाम को जाप करें तो ये आपको बड़ी राहत मिलेगी, बड़ी हिम्मत मिलेगी आपको। और इसके साथ साथ ही आपको क्या करना है कि भगवान शिव की, भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए जी। शिवलिंग पर आपको बेलपत्र, कच्चा दूध और शहद अर्पित करना है सोमवार के दिन, या शनिवार के दिन भी करेंगे तो बहुत आपके लिए उत्तम रहेगा। ये उपाय निश्चित रूप से करना आपके लिए भाग्य उदय का कारक बनेगा, आपकी परेशानियों को कम करेगा। शनिवार के दिन गरीब व्यक्ति को खाना खिलाएं, उनको काले वस्त्र का दान करें, काले उड़द उसका दान करें, सरसों का तेल, काले चने, काले तिल, इसका भी दान करना आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित हो सकता है। चलिए तो इसी के साथ मुझे मयंक शर्मा जी को दोनों को दीजिए इजाजत, लेकिन याद जरूर रखिएगा कि अगर आपको कुछ भी मयंक शर्मा जी से जानना, पूछना या फिर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है व्यक्तिगत कुंडली का, तो बेझिझक स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर के जरिए आप इनसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। तो नमस्कार।